हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज हम बात करेंगे अपने पेट और हिप्स की फैट को बिल्कुल रिड्यूस करने का। आज एक ऐसा योगा आपको बताएंगे कि उसमें आप अपने पेट को सामान्य नॉर्मल स्थिति में ला सकते हैं और हिप्स में को भी बहुत आसान से एकदम फ्लैट जैसे नॉर्मल तरीके से होती है वैसे कर सकते हैं। यह है क्यों होती है, किस कारण होती है, पहले ये कारण जानते हैं। क्योंकि मार्केट में अनडाइजेस्टिव फूड खाते हैं जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स। यह अनलिमिटेड लेने से अपने पेट में सबसे पहले वसा का एकत्रित होती है और पेट में होने के बाद हिप्स में आती है और कुछ में हिप्स और पेट में दोनों में एक साथ आती है। तो यह नॉर्मल सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली समस्या है। तो इनको बाहर का फूड बिल्कुल बंद करना चाहिए और अपना योग देखने के लिए यह ही टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहें। यह वीडियो अपने सभी जिनके पेट और हिप्स की परेशानी है उन तक जरूर शेयर करें। यह सबसे महत्वपूर्ण योग है क्योंकि पेट अधिक आने से अपने सभी डाइजेशन की समस्याएं देखने को मिलती है। इसको सबसे पहले अपन देखें तो कंट्रोल करने के लिए अपने को सबसे पहले खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और जिनको पेट की प्रॉब्लम है उनको फैट वाली चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे उनको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए और जो बाहर का फूड है उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। और महीने में एक या दो बार आप खा भी सकते हैं अगर आपकी अधिक तलब हो तो। नॉर्मल योग बताएंगे उसको आप दिन में 3 टाइम 3 3 बार करें तो आपका पेट और हिप्स बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो योग एक सामान्य योग है मगर इसमें आपको आपकी कंटिन्यूटी के हिसाब से इसको पहले 5 टाइम करें, फिर 10 टाइम करें, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 30 टाइम तक वर्कआउट करें तो आपके पेट और हिप्स की चर्बी बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो अब योग स्टार्ट करते हैं। इस योग को करने के लिए आपको वर्टिकल साइड में खड़े होना है और फिर अपने शरीर को झुकाना है। शरीर को आपकी सुविधा के अनुसार झुका सकते हैं और इस प्रकार आप ऐसा कोण बनाएं जिससे आपका शरीर सामान्य हो और दोनों पंजों को लगभग 1.5 फीट की दूरी पे रखें और फिर आपके दोनों पैरों को एक आगे लाएं। दोनों पैरों को इतना आगे लाएं कि आपके पंजे के आगे वाले हिस्से को क्रॉस करें और फिर इसी क्रिया को वापिस पुश पुश इस क्रिया को कम से कम 5 से इस टाइम से स्टार्ट करके आप इसको 30 टाइम तक रेगुलर करें तो आपकी चर्बी पेट और हिप्स की बिल्कुल गायब हो जाएगी। योग का अपन ने प्रैक्टिकल करके देखा तो आपको कैसा लगा? यह बहुत खेल खेल में होने वाला योग है तो आप इसको दिन में 3 टाइम जरूर प्रयोग करें और जो दिन में 3 टाइम नहीं कर सकते उनको सुबह शाम 5 5 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। और विशेषकर इसका अभ्यास मुख्य रूप से खाली पेट करें तो बहुत लाभ मिलेगा। भरे हुए पेट में
इससे नुकसान हो सकता है और जिनके घुटनों में दर्द हो उनको इस योग से बचना चाहिए। तो आपको यह योग कैसा लगा और आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करके देखिए और फिर ज़रूर कमेंट में बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो भाई पेट से परेशान हैं, हिप्स से परेशान हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाएं, फैमिली के मेंबरों को दिखाएं और फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। और फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।